हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये चार्ट है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का। ये वीकली क्लोजिंग बेसिस का चार्ट है आपके सामने। आप देखिए इस चार्ट को और आप यहाँ इस पॉइंट पे अगर आप मार्क करिए तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि स्टॉक अपने सबसे खराब दौर से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। 102 रुपए, वैसे इससे भी नीचे स्टॉक जा चुका है। आप इस पॉइंट पे अगर ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर भी ये स्टॉक करीब 75-80 का के भी दर्शन यहाँ पर स्टॉक को हो चुके हैं। फिलहाल स्टॉक के अंदर आपको जिस तरह से एक कमजोरी नजर आ रही है, क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर ये फिर से स्टॉक काफी दिनों तक नीचे ही रहने वाला है? आइए इस पर एनालिसिस करते हुए आपको यहां पर कुछ अपडेट देने की कोशिश करें ताकि आप इस स्टॉक में कुछ भी अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें मदद मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखिए इस स्टॉक को तो आपको एक बात क्लियर होगी कि ये स्टॉक तो काफी ज्यादा चल चुका था। करीब करीब 2018 में ये स्टॉक आपको 1400 रुपए तक के लेवल भी यहाँ पे दिखा चुका है। तो एक जबरदस्त रनअप आपको इस स्टॉक में मिलते हुए नजर आई साल 2013 से, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ, और उसके बाद 2018, 5 सालों में ये स्टॉक, इस स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त रनअप लगाया। एनबीएफसी ग्रो कर रही थी और एनबीएफसी के जो कॉस्ट थे वो अच्छे खासे कम थे। ये लोन जो दे रहे थे हाउसिंग सेक्टर को, वहां पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी थी और उसको मार्केट यहां पर डिस्काउंट कर रहा था। और बिग बुल यहां पर राकेश झुंझुनवाला भी इस स्टॉक में थे और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम इस स्टॉक में हो रही थी वो भी अपने यहां पर स्टेक था उसको ये निकालते गए। तो आप यहां पर देखेंगे कि स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर यहां पर पहुंचा हुआ आपको नजर आ रहा है। आप इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के बाद अगर आप इस स्टॉक के लेवल्स अगर आप देखिए तो काफी इंटरेस्टिंग आपको लेवल्स यहां पे नजर आएंगे और वो होंगे 92-85। और उसके बाद अगर कमजोरी आएगी तो स्टॉक जो है वो 75 के लेवल्स भी यहां पर आपको दिखा सकता है। तो क्या करना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट जो है आपको फैक्ट यहां नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का कुछ फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। 4836 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ केवल 4 रुपए का पी यहां पर अवेलेबल है। अभी हम इंडस्ट्री के बाकी कॉम्पिटिटर की पी भी चेक कर लेंगे और यहां पे बुक वैल्यू 359 रुपए है, यानी कि करंट प्राइस जो है इनके बुक वैल्यू की वो ज्यादा है और करंट प्राइस मार्केट में 3 गुना कम है। तो भाई 3 गुना कोई चीज अगर कम होगी बुक वैल्यू से, अगर काम आपको शेयर मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि शेयर में, कंपनी के शेयर प्राइस में या कंपनी में कुछ भी ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। तो ये देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। पीयर कंपैरिजन की बात करें फ्रेंड्स तो 4 रुपए के आसपास अगर आप देखें तो एलआईजी हाउसिंग फाइनेंस है। स्वाभाविक सी बात है कि सरकारी कंपनियां इसी तरह से चलती है और उसी रेंज में आपको यहाँ पे हुडको भी नजर आएगा 4.86 रुपए में। तो पी में यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन इंडिया बुल्स हाउसिंग का यहाँ सरकारी कंपनियों से ज्यादा नजर आ रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे एचडीएफसी 19 के पी मल्टीपल पे है, आवास फाइनेंस 36 और एप्टस जो है हाल ही की लिस्टेड कंपनी वो 26 के पी मल्टीपल पर अवेलेबल है। तो देखिए बाजार में अगर कोई चीज जो है वो सस्ती होती है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। बाजार उसको यहाँ पर डिस्काउंट नहीं कर रहा है क्योंकि बाजार को नहीं लगता कि कंपनी जो है परफॉर्म कर पाएगी। कंपनी का काम यही होता है कि वो लोन लेती है, लोन लेके उसको देती है दूसरे लोगों को जिनको लोन चाहिए होता है। अब एक बार क्वार्टरली रिजल्ट्स को नजर डालते हैं फ्रेंड्स तो 2339 करोड़ रुपए का कंपनी ने सेल्स डिलीवर किया और इसके पहले दिसंबर क्वार्टर में 2274 करोड़ का था। तो यहां पर सेल्स में गिरावट है क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें इसी साल के। और अगर फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो इस समय 427 करोड़ जो कि पिछले साल 441 करोड़ रुपए का था। पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका जो है 19% था, वो इस समय घट करके 18% हो गया। तो दबाव में कंपनी है इसलिए आप समझ रहे होंगे कि जो शेयर प्राइस है उस पर तो रिफ्लेक्शन आता ही है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें फ्रेंड्स तो 291 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में था जो पिछले साल दिसंबर में 303 करोड़ रुपए का था, तो ये भी घटा हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 289 करोड़ रुपए। तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है कंपनी के, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है कि मतलब बहुत ड्रास्टिक यहां पर चेंज आए हैं रिजल्ट्स में। तो रिजल्ट्स जो है वो अगर हम कहें कंपैरिजन पे हम देखें जा तो रहा है नीचे, लेकिन एक ओके की सिचुएशन कि मार्केट इतना ज्यादा जो पनिश कर रहा है स्टॉक को तो वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंसिंग कंपनियों की वो होती है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। तो आप देखिए 3% 3.30% और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 3.138%, ये बढ़ गया, ये सबसे खराब बात है। और नेट एनपीए की बात करें तो 2.18% और पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो 1.8%। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है इस कंपनी के लिए। तो यहाँ पे ये मुख्य कारण
कारण आपको नजर आएंगे। स्टॉक जो डिस्काउंट में आपको इस समय मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मुख्य दो कारण, क्योंकि देखिए एनपीए और जो भी सिस्टम होता है बैंकिंग एनबीएससी कंपनियों के लिए, यहाँ ये परफॉर्मेंस मेजर ट्रैक होता है। फ्रेंड्स अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देखिए कि कंपनी के कर्जे जो है वो 55,000 करोड़ रुपए के हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि कंपनी कर्ज लेती है और उसके बाद उसको वो लोन देती है, तो यहाँ अदर असेट्स में आपको ये नजर आएगा। तो पिछले कुछ समय पहले अगर आप देखेंगे, जैसे कि मार्च 2018 की बात करेंगे या मार्च 2019 की बात करेंगे, तो 1,00,000 करोड़ रुपए के ऊपर ही कंपनी का कर्जा था। वहां से कंपनी का जो कर्जा लेने का दर हो गया वो 50% लेस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा बाई 50%, क्योंकि इनके कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, ये जो पैसा उठाते हैं मार्केट से, ये अब उस रेट से नहीं उठा पाते जिस रेट से ये पहले उठाया करते थे, तो उस हिसाब से बिजनेस डाउन भी हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो इनका टोटल एसेट्स था 39 से बढ़ते बढ़ते यहां पर मार्च 2018 1,32,000 करोड़, फिर वो घटते घटते फिर अभी 75,000 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट आपको दिख रही है। तो ओवरऑल ये भी एक प्रॉब्लम आपको स्टॉक के प्राइस में दिख रही है कि लगातार स्टॉक का प्राइस जो है वो करेक्ट क्यों हुआ। अब आपको सबसे मेजर कंसर्न बताता हूं, इस मेजर कंसर्न में आप थोड़ा सा सावधान होंगे। प्रमोटर, आप देखिए प्रमोटर लगातार तार निकलते गए और केवल 9.6। तो आप कभी भी किसी भी फंडामेंटल की किताब में देखेंगे तो आपको प्रमोटर के बारे में बताया जाएगा कि 60% हो या कम से कम 50% तो प्रमोटर हो ही। तो भाई एफआईआई कभी 37% हुआ करता था यानी मार्च 2020 में, और वो घटता हुआ इस समय 21% है। डीआईआई 13% अभी भी है, लेकिन यहाँ पे अब आप देखिए एक सबसे इंटरेस्टिंग, डीआईआई 11% से 13% हो गया। अब जहां पर प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई कम होंगे तो स्वाभाविक सी बात है पब्लिक वहां पे टूट पड़ती है और 50% पब्लिक ही लेकर के यहां पे शेयर को बैठी हुई है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं एक बार फिर से चार्ट, क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। फ्रेंड्स स्टॉक काफी ज्यादा करेक्टेड है, और अगर आप हाल के दिनों की बात करें तो स्टॉक यहाँ इस अगर पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन लगाया है। आप 1400 1500 1000 भूल जाइए। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें तो दिसंबर 2021 से 260 रुपए का स्टॉक था ये, दिसंबर 2021 से, और उसके भी पहले अगर आप बात करें, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करता हूं मैं, अगर उसके भी पहले आप बात अभी रिसेंट की बात करें, दिसंबर 2022 160 रुपए का स्टॉक था फ्रेंड्स। दिसंबर 2022 में इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो 160 रुपए का स्टॉक था, यानी कि 60% आपका स्टॉक यहाँ पे करेक्ट हो गया। जो भी बंदा 160 रुपए पे एंट्री किया वहां पर आपको 100 रुपए का यहाँ पे लेवल दिख रहा है, तो जबरदस्त यहाँ पे वेल्थ में कमी आ गई है। जो जिन्होंने भी इस लेवल पर निवेश किया है, इस पर्टिकुलर लेवल पर निवेश किया है 250 और 225, इस तरह के लेवल पर जिन्होंने भी निवेश किया वो फंसे हुए हैं। फिलहाल अगर कोई नया पोजिशन बनाना चाहता है तो 100 रुपए का लेवल तो आकर्षक दिख सकता है, लेकिन अगर थोड़ा वेट करना होगा, वेट करके अगर हम 80 या फिर 75 या मान के चलिए कि अगर 90 और 80-75 के लेवल पर अगर स्टॉक मिलता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ने से आपको यहां पर अच्छा रनअप यहां स्टॉक में, जब मूड माहौल अगर मार्केट का अच्छा होगा तो यहां पे आपको मिलने की संभावना नजर आ सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो भी आपका यहां पे बिट है, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि ये एक रिस्की पर्टिकुलरली एक मूव होगा आपका वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, फॉर द अप मूव ऑफ एटलीस्ट 10-20%, तो उसके हिसाब से आप यहां पे बैठ लीजिएगा, लेकिन काफी रिस्की होगा। बाकी चीजें तो फंडामेंटल्स जो है वो कंपनी की फिलहाल वीक चल रही है। फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो में आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे जो अपडेट है वो आपको समझ आया होगा, और इस शेयर के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग विकसित हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।